हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, मॉर्निंग ओरल में पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 41-42 स्टडी किया था और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 43। चैप्टर 43 में देखिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे यदि यदि आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो इंग्लिश में इसको बहुत ही पोलाइटली, मतलब सामने वाले ने आपके साथ मैनर से बात नहीं किया लेकिन आप बहुत ही पोलाइटली उस चीज को कैसे कहेंगे, ठीक है? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे फॉरगिव माई लैंग्वेज बट इट वॉज वेरी रूड ऑफ यू। फॉरगिव माई लैंग्वेज यानी कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसको माफ करिएगा, ठीक है ना। फॉरगिव माई लैंग्वेज, मेरी भाषा को मतलब इग्नोर करिएगा, माफ करिएगा, बट इट वॉज वेरी रूड ऑफ यू। लेकिन आपने मुझसे अभी जो बात किया है ना वो सही नहीं था, बहुत ही रूड था, यानी कि जो आपने मुझसे मैनर से बात नहीं किया। तो सामने वाले ने आपके साथ बदतमीजी की, आपके साथ तरीके से बात नहीं किया लेकिन फिर भी आपने उसको ये चीज बहुत ही मैनर के साथ बताया, ठीक है? तो हम कैसे बोलेंगे? फॉरगिव माई लैंग्वेज बट इट वॉज वेरी रूड ऑफ यू, लेकिन ये बहुत ही रूड था जो आपने अभी बात किया। तो ऐसा सुन करके सामने वाले को रिस्पॉन्स, या आपके साथ यदि ऐसा होता है कोई आपसे इस तरीके से अगर कहता है, इतना पोलाइटली आपको आपकी मिस्टेक अगर ध्यान दिलाता है तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? हम रिस्पॉन्स देंगे सॉरी इट वॉज अ मिस्टेक, है ना। सॉरी गलती हो गई, सॉरी इट वॉज अ मिस्टेक। या हम ये भी बोल सकते हैं सॉरी इट वॉज अ स्लिप ऑफ अ टंग या स्लिप ऑफ अ लैंग्वेज। इट वॉज अ स्लिप ऑफ अ लैंग्वेज, है ना। मेरी जो है गलती हो गई मुझसे, मैं मुझे इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो सॉरी इट वॉज अ स्लिप ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज की मिस्टेक हो गई। ओके, अब नेक्स्ट है यदि आपको अपने बड़ों की गलती पॉइंट आउट करानी है। कोई आपसे बड़े हैं और उन्होंने कुछ मिस्टेक किया। सपोज करिए कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ बोर्ड पर, और बोर्ड पर पढ़ाते हुए मुझे लिखना था वहाँ पर 8 और मैंने लिख दिया 6, कुछ इस तरीके से मिस्टेक हो गई। तो आप मुझे मेरी गलती को पॉइंट आउट कराना है तो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना कि मैम वो आपने गलत कर दिया, है ना। ये बोलने में सही नहीं लग रहा है। तो इसी चीज को हम पोलाइटली कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज फॉरगिव माई इग्नोरेंस, मेरी अज्ञानता को माफ करिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज फॉरगिव माई इग्नोरेंस बट दिस शुड बी 6, लेकिन वहां शायद 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो चीज लिखेंगे, ठीक है ना। या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी हो गया हो तो इट शुड बी, है ना, ये होना चाहिए या दिस शुड बी, शायद ये चीज ऐसा होना चाहिए। तो कितना आपने मैनर के साथ आपने वहां पे जो गलती हुआ उसको भी आपने बताया लेकिन बहुत ही मैनर के साथ। तो हम कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज फॉरगिव माई लैंग्वेज, ठीक है, या प्लीज फॉरगिव माई इग्नोरेंस, मेरी अज्ञानता को माफ करिएगा बट दिस शुड बी 6, लेकिन वहां शायद 6 होना चाहिए। रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? तब आपको जवाब इतना पोलाइटली बोलेंगे तो रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा ही मिलेगा, सॉरी इट वॉज अ स्लिप ऑफ अ पेन, है ना। अब यहाँ पे क्या स्लिप हो रहा है? वहां पर लैंग्वेज स्लिप हुआ था, ठीक है, इट वॉज अ स्लिप ऑफ अ लैंग्वेज, इसके पहले में था, ठीक है। यहाँ पर पेन स्लिप कर गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी इट वॉज अ स्लिप ऑफ अ पेन, इस तरीके का हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 43।